स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी चैनल पर, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। वाईफाई स्टडीज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस 1000 क्वेश्चन की सेकंड पार्ट में। और अपना कल तक कवर कर लेंगे और इस क्लास को एक टाइमिंग पे शिफ्ट कर देंगे, और बढ़िया टाइमिंग दूंगा आपको मैं, जिसमें मैं 1.5 से 2 घंटे आपको पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, तो मतलब इस क्लास को हम आज और कल इस टाइमिंग पे कर लेते हैं। ठीक है, एक बार शेयर करना सारे के सारे। ठीक है, आज और कल हम इस टाइमिंग पे कर लेते हैं। चलिए, विजिबल हूं आप सभी को। शेयर करो एक बार, है ना, शेयर करो। नमस्कार भाई, नमस्कार, नमस्कार, गुड आफ्टरनून सभी को। ठीक है, और अपना ये जो क्लासेस है रेगुलर हो रही है। देखो यार, एक मैं ये 10 बजे पढ़ाता हूँ, मैं मोस्ट प्रोबेबली इस क्लास को रात को 10 बजे करने वाला हूँ, जो आपको सबसे परफेक्ट टाइमिंग है रात के 10 बजे की, जिसमें इस समय कुछ भी नहीं करना होता पढ़ाई के अलावा। तो हम कर सकते हैं 10 बजे पढ़ाई। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस टाइमिंग को 10 बजे शिफ्ट करके आपको बढ़िया तरीके से 10,000 क्वेश्चन की सीरीज तो एटलीस्ट कराऊं। ठीक है, 1,000 से काम नहीं बनेगा। अभी अनअकैडमी कॉमबैक की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए ऑफर है। कल है एग्जाम अपना अनअकैडमी कॉमबैक का, दोबारा 12 बजे लाइव। अमन रेफर कोड यूज करिए। इससे पहले आप टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस कर लीजिए, सो डैट की आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो तो आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। ठीक है, जो ऑफर अवेलेबल है वो आपको देखो यार, SSC क्रैश कोर्स भी लाइव हुआ है और SSC की जो पूरी टीम है कंप्लीट फाउंडेशन बैचेस भी लाइव हुए, दोनों चीजें लाइव हुए हैं। और अभी इस रेफर कोड पे 10% डिस्काउंट के साथ मेगा ऑफर है 2 साल पे 4 मंथ वाला। ठीक है, और 1 साल पे 2 मंथ वाला। तो मतलब दिस इज द परफेक्ट टाइम जब आप एक बहुत अच्छे कोस्ट पे, ठीक है, बहुत कम कोस्ट पे जो है लाइव अमन रेफर कोड यूज करके जुड़ सकते। ठीक है, तो गोल सिलेक्ट करिए, कस्टम क्लिक करिए, मंथ सिलेक्ट करिए और रेफर कोड यूज करके जुड़ जाएगा। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। 1000 क्वेश्चन की दूसरा पार्ट है ये। अभी तीसरा पार्ट कल दोबारा कराऊंगा 1 बजे, और उसके बाद मैं इस क्लास की टाइमिंग को बदल के एक रेगुलर क्लास कर दूंगा। ठीक है, वो रेगुलर क्लास की टाइमिंग जानने के लिए कल की क्लास में दोबारा 1 बजे आएगा। पहला क्वेश्चन अभी देखिए, 1.5 घंटा पढ़ लेते हैं बढ़िया। हाँ जी, देखिए जो टस्क होता है एलिफेंट का वो एनलार्ज होता है। ठीक है, कौन सा मतलब, ठीक है, द टस्क ऑफ एलिफेंट इज एन मोस्टली एनलार्ज, कौन सा वाला, जल्दी से बताएगा। ठीक है, मतलब दांत की एग्जाम्पल ले रहा ना, जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स में दांत होते हैं वैसे एलिफेंट के जो दांत, उसी पे पूछ रहा है सूंड के ऊपर। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का बेटा, इसे हम कहते हैं अपर इंसिजर कहते हैं। ठीक है, हाथी के दिखाने की ओर खाने की ओर वही फंडा यूज हो रहा है इसमें। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व करो। वैसे तो मैं एक वर्ड याद करा दूं आपको, EMT, मैं आपको बस इतना याद करा दूं, EMT इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग, आपने सुना होगा। बस अगर मेरे को ये याद है ना तो मुझे ये आंसर मिल गया। ठीक है, ये डी आंसर, बस इतना याद करने पे मुझे ये आंसर तो मिल गया कि ई से हमें टी पे जाना है, ई से हमें टी पे जाना है या टी से हमें ई पे आना है। ठीक है, कह रहा है डेफिशिएंसी जो होती है टोकोफेरोल की, उससे स्टेरिलिटी होती है, इसको टोकोफेरोल को और किस नाम से जाना जाता है, तो हम विटामिन ई भी कहते हैं इसे, टोकोफेरोल को विटामिन ई भी कहते हैं, और इसकी वजह से स्टेरिलिटी होती है। वर्ड याद रखो EMT, जिससे आपको चीजें याद रहेंगी। ठीक है, ये अच्छा तरीका था याद करने का, तरीका तो हमें पता होना चाहिए भाई हर एक क्लास में। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन देखो, शेयर करना सारे के सारे। अगर मैं ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट माइकल कुंडो की बात करूं, जो कि इनका हाल फिलहाल में निधन हुआ, ये किस खेल से संबंधित, मतलब इनको जो गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने किस फील्ड में जीता था, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, किस फील्ड में जीता था, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा आ सकता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा आ सकता है आप सभी से। ठीक है, आंसर क्या है बेटा, याद रखिएगा, किस में जीते, आंसर है हॉकी में जीते, हॉकी में। ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल। एक और क्वेश्चन देखो, कौन से चाइनीज ट्रेवलर हैं जो विजिट किए इंडिया जब हर्षवर्धना शासक थे। ठीक है, जब हर्षवर्धन शासक थे उस समय इंडिया विजिट किए, बताइए कौन विजिट किए, जल्दी से बताइए। ठीक है, कौन विजिट किए, ठीक है, इंडिया जब हर्षवर्धन टाइटल जो क्या बोलते हैं शासक थे, चाइनीज ट्रेवलर कौन से विजिट किए। चलिए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चाइनीज ट्रेवलर में से एक है ह्यून त्सांग, आपने नाम भी सुना, जैसे एक फहेन और ह्यून त्सांग, इन दोनों पे तो बहुत क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, फहेन और ह्यून त्सांग पे तो बहुत क्वेश्चन मिलते हैं, याद रखिएगा इन दोनों पे क्वेश्चन आते हैं। नेफ्रॉन्स किसमें पाए जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन, नेफ्रॉन किसमें पाए जाते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है।
चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, नेफ्रॉन किसमें पाया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पूछा सकता है। ठीक है, नेफ्रॉन किसमें पाया जाता है, देखो यार नेफ्रॉन क्या है, जो फिल्ट्रेशन है ना उसके लिए काम आता है, बेसिक यूनिट है फिल्ट्रेशन की, तो भाई नेफ्रॉन फिल्ट्रेशन की बेसिक यूनिट है, तो डेफिनेटली किसमें होगी, किडनी में होगी, है ना, किसकी यूनिट है, ठीक है, फिल्ट्रेशन की यूनिट है, तो यार फिल्ट्रेशन की यूनिट तो किडनी में होगी, एक्सक्रीटरी सिस्टम का भाग है, है ना, तो बस वही पूछ रहे हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का भाग है और ये सब क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इंदिरा जोसफ वेन्योर, ये इनका जो निधन हुआ है ये किससे संबंधित है, आपने इंदिरा जोसफ अगर आपने नाम सुना हो तो मुझे बताइए ये किस फील्ड से संबंधित है। देखो ऑब्विचरी के क्वेश्चन ना इस बार सीएचएसएल में भी बहुत ज्यादा पूछे गए और क्या बोलते हैं एनटीपीसी में भी बहुत आए थे, ठीक है, सीबीटी वन में बहुत आए थे, अब सीबीटी टू और क्या बोलते हैं सीएचएसएल जो अभी होने वाले उनमें आने के चांसेस, ठीक है, ब्रॉडकास्टर थे, ठीक है, ब्रॉडकास्ट करते थे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज चेंज अ वर्ड इन इट्स नेशनल एंथम, बताइए कौन सा कंट्री है जिसने अपना जो नेशनल एंथम है उसके वर्ड को चेंज किया, शब्द को बदला दिया, जल्दी चलते हैं, कौन से देश ने अपने नेशनल एंथम में, जैसे हमारे देश का जो है वो राष्ट्रीय गान और ये सब चीजें जो है उनमें अगर कोई बदलाव हो तो बहुत बड़ी बात होगी, तो ऐसे इस देश में भी बदलाव हुआ, आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, बताइए शेयर करो बेटा सेशन को, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ऑस्ट्रेलिया ने बदला है, किसने, ऑस्ट्रेलिया ने बदला, और ये अच्छा क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर है बेटा जो अपडेटेड है, अभी लेटेस्ट के भी करंट अफेयर करा दे रहा हूं मैं, जनवरी फरवरी मार्च के करंट अफेयर मैं उठा ले रहा हूं, इवन मैं अप्रैल के भी उठा दूंगा, ठीक है, इवन अप्रैल के भी उठा दूंगा करंट अफेयर आप, ठीक है, बताइए हु बिकम अ मेंबर ऑफ आईओएससीओ, जल्दी से बताइए मेंबर कौन बना है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, देयर टीसीएल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आईबी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब आपने सुना होगा, अब आईओएससीओ के हेड कौन बने हैं, ठीक है, मेंबर कौन बने, आईएफएससीए बना, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पूछा सकता, ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखो, एरेटोकार्पस इंटेग्रा ये किसका साइंटिफिक नेम है, बताओ भाई, देखो साइंटिफिक नेम के क्वेश्चन मैं रात को शाम को 5 बजे करा रहा हूं, वो फिक्स टाइमिंग है 5 बजे, तो 5 बजे मैं आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूं, 5 बजे की टाइमिंग भूलना मत भाई, ये 5 बजे की टाइमिंग पे बहुत क्वेश्चन होते हैं आपके, ठीक है, 5 बजे के कंटेंट को जरूर दिमाग में रखो कि उसमें कंटेंट नया लेटेस्ट आने वाला मंडे से, ठीक है, मंडे नहीं तो ट्यूजडे से आ जाएगा, ठीक है, आंसर क्या, जैक फ्रूट को, ठीक है, तो कटहल होता है ना, कटहल, कटहल का ये साइंटिफिक नेम है एरेटोकार्पस इंटेग्रा, कटहल का, ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, विंड स्पीड को मेजर कैसे करते हैं, आसान, विंड वर्ड आ गया, विंड वर्ड आ गया, आसानी से आंसर आ जाएगा, विंड वर्ड आती है आसानी से आंसर आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, है ना, विंड वर्ड है आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है, चलिए आंसर क्या है बेटा, विंड है एनीमोमीटर होता है, विंड है तो एनीमोमीटर होता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है पूछा जा सकता है, ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये रूट हेयर किससे अराइज होते हैं, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, रूट हेयर किससे अराइज होते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सारे के सारे, ठीक है, सोल्व करो भाई, सारे सोल्व करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, रूट हेयर किससे अराइज होते हैं, आंसर इसका एपिडर्मिस से, एपिडर्मिस से अराइज होते हैं, महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है, एपिडर्मिस से, एक और क्वेश्चन देखो, हाँ भाई ये क्वेश्चन ज्यादा आ सकता है कि भाई उससे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी मैंने कराया कि भाई सीड जर्मिनेशन में से इसमें से क्या रिक्वायर्ड नहीं है, सीड जर्मिनेशन के लिए इसमें से किसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सीड जर्मिनेशन मतलब जो क्या बोलते हैं बीज का अंकुरण होता है, जमीन में से बीज निकलता है, जब जमीन में से बीज निकल रहा है, ठीक है, तो भाई जमीन में से बीज निकालने के लिए सनलाइट की रिक्वायरमेंट तो नहीं होनी चाहिए, सनलाइट की रिक्वायरमेंट तो नहीं होनी चाहिए, तो सनलाइट इसका आंसर है नॉट रिक्वायर्ड में, क्या है सनलाइट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, सूरज की रोशनी तो नहीं चाहिए जमीन में से भी, पेड़ जब उग जाता है उसके बाद चाहिए होती है, अंकुरित में नहीं चाहिए। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को समझना, जैसे एक वायर है सिंपल सी वायर, उसको हमने ना स्ट्रेच कर दिया, ठीक है, इन विच फॉर्म इज द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर स्टोर्ड, ठीक है, मतलब वर्क डन किस पोजीशन में, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी किस में होगा, जल्दी से वर्क डन किस में स्टोर होगा, कमेंट करिए, मुश्किल क्वेश्चन है थोड़ा सा साइंस का, लेकिन कोशिश करो बताओ, अटेम्प्ट करो क्वेश्चन, ठीक है, कोशिश करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, अच्छे क्वेश्चन में से एक है पोटेंशियल, देखो पोटेंशियल क्यों, क्योंकि आप उसे स्ट्रेच करके रख रहे हो,
स्ट्रेच करके रख रहे हो, छोड़ा नहीं है उसे, अगर छोड़ते तो ये मूव करता, काइनेटिक एनर्जी होती, स्ट्रेच करके रखा है आपने। बच्चे इधर काइनेटिक एनर्जी इसलिए सोच रहे कि भाई हाथ क्या बोलते हैं खींच के छोड़ दिया होगा, लेकिन छोड़ने का कहीं नहीं कर रखा, स्ट्रेचिंग जो है स्ट्रेचिंग दबाया, समझना क्वेश्चन, इसलिए खेल गया। और दूसरा है इसमें हाइट में कोई बदलाव नहीं आया तो एमजीएच ही रहेगा, एमजीएच ही रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी ही रहेगा उसमें, काइनेटिक एनर्जी नहीं बनेगी इसमें, ठीक, काइनेटिक एनर्जी नहीं बनेगी। क्वेश्चन अच्छा था, खेल गया क्वेश्चन आपके साथ, ठीक है। हाँ जी, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, चीफ ऑफ गूगल क्लाउड एशिया पैसिफिक डिवीजन। बेटा गूगल ने क्लाउड सिस्टम स्टार्ट किया है ना, और इसका जो एशिया पैसिफिक डिवीजन है इसके चीफ कौन बनाए गए, कौन अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है, इसके चीफ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताइए। ठीक है, अब चीफ कौन बनाए गए, अच्छा क्वेश्चन है, करण बाजवा, ठीक, करण बाजवा जो है इसको गूगल क्लाउड ने एशिया पैसिफिक डिवीजन का चीफ बनाया, और ये एक अच्छी पोस्ट है, ठीक है, एक अच्छी अथॉरिटी है, तो नाम पता होना चाहिए, ठीक है। नमस्कार भाई, नमस्कार, ठीक है, प्रतिमा यादव, ठीक है, नमस्कार भाई सभी को। चलो एक और क्वेश्चन देखो, उठाओ भाई, क्वेश्चन अच्छे हैं। हाँ जी, प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है बेटा, ये पीएमएवाई प्रधानमंत्री आवास योजना को इंप्लीमेंट करने में बेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, और ये ऐसा क्वेश्चन है 100% आने के चांसेस है। मैं आपको ये जो सीरीज करा रहा हूं, ये सीरीज बहुत अच्छी है, मैं इसमें कल भी आपको ये सीरीज का थर्ड पार्ट कराऊंगा, और उसके बाद इस सीरीज को मैं पर्टिकुलर टाइमिंग पर फिक्स कर दूंगा, टाइमिंग मैं आपको कल बताऊंगा, कल भी 1 बजे क्लास ले लेना, उसके बाद मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा, भाई इस टाइमिंग पे ये सीरीज में 10,000 क्वेश्चन करके कर रहा हूं, ठीक है। आंसर क्या है बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर है पोंडीचेरी, ठीक है, पोंडीचेरी जो है सबसे बेस्ट यूनियन टेरिटरी रहा प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, इसको इंप्लीमेंट करने में, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। एक और क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, हाँ जी, कौन सी इसमें से मेजरमेंट यूनिट नहीं है डिस्टेंस की, Which of the following measurement is not a unit of distance? Distance को नहीं नापने के लिए, बताइए कौन सी यूनिट डिस्टेंस को नापने के लिए नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है भाई, डिस्टेंस को नाप, देखा इसमें एमीटर लिखा हुआ, एमीटर तो भाई करंट को नापता है ना, एमीटर करंट को नापता है, बाकी पार्सेक एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस यूनिट है, क्यूबिट भी है, ठीक है, एमस्ट्रोंग भी वेवलेंथ को नापता है, ठीक है, डिस्टेंस को तो नापते हैं तीनों के तीनों, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बस ऑप्शन आसान दे दिया बहुत ज्यादा, ऑप्शन बहुत ज्यादा आसान दे दिया, ठीक है, क्वेश्चन बड़ा आसान था। एज पर द वर्ल्ड बैंक व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी रेट ऑफ इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2020, ठीक है, देखो लास्ट ईयर के लिए जीडीपी रेट वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग है, वर्ल्ड बैंक है तो इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट दे रहा है, तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन आ रहा है तो इंपोर्टेंट है यार, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है तो इंपोर्टेंट है, ठीक है, पूछा जा सकता है, ठीक है, पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, -9.6% इसका आंसर है, -9.6%। 6 जनवरी एज द ईयर ऑफ जर्नलिस्ट, ठीक है, विच स्टेट ऑफ इंडिया मार्क, कौन सा स्टेट जो है 6 जनवरी को, ये लेटेस्ट करंट अफेयर है जनवरी के, इसलिए क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, लेटेस्ट करंट अफेयर है जनवरी के, इसलिए क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, 6 जनवरी जो है, ठीक है, महाराष्ट्र ने घोषित किया इंटरनेशनल, जो हमारा जर्नलिस्ट डे है, ठीक है, वो घोषित किया महाराष्ट्र ने, ठीक है, दिमाग पर, अच्छे क्वेश्चन में से बता दो, आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन आंसर क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि भाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है डिस्टेंस है किसका, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है ना, बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है डिस्टेंस किसका, याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, लाइट ईयर का, किसका, लाइट ईयर का डिस्टेंस है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो एक और क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, विच स्टेट इज अबाउट टू ब्रिंग कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफॉर्मेशन हेल्थ सेक्टर, ठीक है, कौन सा स्टेट जो है कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफॉर्मेशन हेल्थ सेक्टर जो है बनाएगा, ठीक है, और ये हेल्थ सेक्टर जो है बहुत मतलब बड़े पैमाने में बनने वाला है, किस स्टेट में बनने वाला है, ठीक है, अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, कौन सी स्टेट में यह बनने वाला, अच्छे क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, आंसर क्या है बेटा, आंसर है कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है हेल्थ सेक्टर बनाने वाला है, ट्रांसफॉर्म करेगा पूरे हेल्थ सेक्टर को, ठीक है, ये बड़ी बात है, ये क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, 21 ईयर ओल्ड रेशमा मरियम रोय, ठीक है, यंगेस्ट पंचायत प्रेसिडेंट बनी, ठीक है, मतलब हमारे भारत में 21 इज द लिमिटेड मिनिमम एज,
ठीक है, पंचायती राज में आने के लिए 21 वर्ष जो होता है ना मिनिमम एज होता है, कि मतलब इंसान 21 वर्ष का तो होना चाहिए, ये मिनिमम एज है, ठीक है। और आज तक कोई ना 21 वर्ष का व्यक्ति जो है पंचायती राज का हेड नहीं बना था, मतलब कह सकते हैं कि सरपंच नहीं बना था, ठीक है। लेकिन बेटा याद रखिएगा, रेशमा मरियम रॉय जो है 21 साल की आयु में सरपंच बनी किस राज्य की। अच्छा क्वेश्चन है, केरला इसका आंसर है। नए नए क्वेश्चन उठा रहा हूं, जो लेटेस्ट अपडेट हो रहे हैं वो क्वेश्चन उठा रहा हूं, ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा, शेयर करिएगा सेशन को, ठीक है। विंग्स ऑफ बर्ड एंड इंसेक्ट ये किससे रिलेटेड करते हैं बताइए, होमोलोगस है या एनालोगस है बताइए, होमोलोगस या एनालोगस, बेसिक क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बेटा, शेयर करना सारे के सारे जल्दी से, होमोलोगस या एनालोगस जल्दी से बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब बेसिक है ये बेटा, याद रखिएगा ये क्या है, एनालोगस है, ठीक है, एनालोगस है, अच्छे क्वेश्चन में से एक है, पूछा जा सकता है, अच्छे क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। अ लीफ अ प्लांट लीफ अपीयर टू बी ग्रीन, देखो पत्ता हरा क्यों दिखता है, बस सिंपल सा सवाल, अब पत्ता हरा किस लिए दिखता है पता ही, पत्ता हरा किस लिए दिखता है, इसका कारण क्या होता है, पत्ता हरा दिखने का क्या कारण होता है जल्दी से बताइए, पत्ता हरा दिखने का क्या कारण होता है, सोल्व करो, शेयर करो सेशन को, जल्दी से बताओ पत्ता हरा दिखने का कारण क्या है। देखो एक तो उसमें क्लोरोफिल होता है या फिर रिफ्लेक्ट, अभी तो रिफ्लेक्ट अब्सॉर्ब का आ रहा है, दिक्कत बस इतनी है कि आपको रिफ्लेक्ट और एब्जॉर्ब में पता करना है कि क्या आंसर है, क्लोरोफिल का तो क्वेश्चन ही नहीं दिया इसमें अभी, ठीक है। आंसर क्या बेटा याद रखिएगा, कि ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, अगर मुझे कोई चीज रेड दिख रही है ना तो उस चीज को रिफ्लेक्ट करती है तभी वो रेड दिख रही है, ठीक है, अगर ब्लू दिख रही है तो उस वजह से, बस ब्लैक का होता है एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्ब का आंसर सिर्फ और सिर्फ ब्लैक का होता है, क्योंकि ब्लैक एब्जॉर्ब कर लेता सब कुछ, ब्लैक कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करता, बाकी सभी कलर ठीक है न्यूनतम मात्रा में जो है रिफ्लेक्ट ही करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा ब्लैक एब्जॉर्ब करता है बस। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, ये नहीं करना है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, व्हिच अमंग द फॉलोइंग गिवन डिजीज अफेक्ट द वुमन इजीली देन द मैन, कौन सा इसमें से बीमारी है जो क्या बोलते हैं वुमेन को जल्दी होता है मैन को देर में होता है, कमेंट करिए। अच्छा क्वेश्चन, इसका उल्टा भी बता देंगे, ठीक है, इसका भी उल्टा भी बता देंगे, बताइए कौन सा ऐसा बीमारी है जो मैन को जल्द क्या बोलते हैं वुमेन्स को जल्दी होता है और मैन को लेट होता है, अब किसी को पता नहीं क्या, ठीक है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है बेटा याद रखिएगा। अच्छा ये गलत दे रहा है, ठीक है, ये गलत दे रहा है, इसका आंसर इधर ये आना चाहिए, इधर मैन आना चाहिए, ऑप्शन के हिसाब से इधर मैन आना चाहिए और इधर वुमेन आना चाहिए, क्योंकि बेटा ये उल्टी बात है, ठीक है, गलत बात है, ठीक है, क्वेश्चन अब सही हुआ है, क्वेश्चन अब सही है, ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन बदलना पड़ रहा है, क्योंकि मैन को हार्ट अटैक जल्दी होता है और वुमेन को लेट होता है, पहली बात ये, ठीक है, पहली बात ये, अगर हम ऑप्शन के हिसाब से जाए ना तो मैन को हार्ट अटैक ज्यादा होता है और वुमेन्स को कम होता है, इसका कारण भी है कि वुमेन्स में एस्ट्रोजन होता है, ठीक है, वुमेन्स में एस्ट्रोजन हार्मोन होता है जो कि क्या है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो हार्ट अटैक के रेट को, हार्ट अटैक की दर को कम करता है, तो याद रखना बेटा मैन को हार्ट अटैक जल्दी आता है और वुमेन्स को लेट आता है और कारण है एस्ट्रोजन, एंटी कोलेस्ट्रॉल हार्मोन है ये, एस्ट्रोजन क्या है, एंटी कोलेस्ट्रॉल हार्मोन है, पूछा जा सकता है, क्वेश्चन को बदलना पड़ा क्योंकि आंसर में हार्ट अटैक दे रखा है, ठीक है, यार अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं कर रहे अभी, बताइए विच स्टेट डिप्लॉयड टू हेलीकॉप्टर टू फाइट वाइल्ड फायर इन डुजुको वैली, जल्दी से बताइए, ठीक है, डुजुको वैली में वाइल्ड फायर जो है इसको हैंडल आउट करने के लिए दो हेलीकॉप्टर डिप्लॉय करे किस स्टेट ने, कमेंट करिए इस क्वेश्चन आंसर के, ठीक है, शेयर करो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या, ठीक है, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या बेटा, जल्दी से बताइए, है अच्छा क्वेश्चन है, सोल्व करने वाले क्वेश्चन है बेटा, सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, अच्छे क्वेश्चन में से एक, ठीक है, याद रखिएगा सारे के सारे सोल्व करने वाले में से अच्छे क्वेश्चन में से एक आंसर क्या इस क्वेश्चन का, ठीक है, आंसर है मणिपुर, ठीक है, मणिपुर इसका आंसर है, ठीक है, मणिपुर ने ये किया, क्योंकि हमें ये नहीं पढ़ना कि भाई हेलीकॉप्टर किसने डिप्लॉय करी ये है वो, हमें ये पता होना चाहिए कि डुजुको वैली कहां पे है, आपको पेपर में सवाल भी आ सकता है कि डुजुको वैली कहां पे है, तो बेटा याद रखिएगा डुजुको वैली कहां पे है, मणिपुर में, क्वेश्चन यहां पे उठेगा कि भाई डुजुको वैली कहां पे है, तो याद रखिएगा डुजुको वैली मणिपुर में है, ये क्वेश्चन उठेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन उठेगा कि डुजुको वैली कहां पे है, मणिपुर में, ये क्वेश्चन उठेगा।
फॉर्मेशन ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, ठीक है। अब देखो अगर ये सेम कहता तो आंसर अलग होता, समझना इस चीज को। अभी ये कह रहा है डिफरेंट सब्सटेंस में, तो डिफरेंट सब्सटेंस में क्या होगा, एडहेशन होगा क्या? डिफरेंट सब्सटेंस में क्या होगा, एडहेशन होगा क्या? ठीक है, याद रखिएगा, अगर मैं बात करूं डिफरेंट सब्सटेंस तो आंसर एडहेशन है, लेकिन अगर इधर डिफरेंट सेम लिखा होता ना सेम सब, तो आंसर क्या होता, कोहेशन होता। ठीक है, आंसर होता कोहेशन होता। मैं आपको वही चीजें समझा रहा हूं जो चीजें इंपोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, जो चीज इंपोर्टेंट। बेटा थोड़ी सी बफरिंग हो रही है क्लास में, ठीक है, कंटिन्यू करना, थोड़ी सी बफरिंग होगी क्लास में। है ना, एक दो मिनट की बफरिंग हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, ये इसका आंसर है, ठीक है, ये इसका आंसर है, ठीक है, पूछा जा सकता है, ठीक है, आंसर इसका ये है। एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक, क्रियाप जो रेंज है ये कहां पे, कमेंट करिएगा ये रेंज कहां पे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, ये रेंज कहां पे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, ठीक है, ये रेंज कहां पे, बड़े अच्छे क्वेश्चन में से एक है, बड़े ही अच्छे क्वेश्चन में से एक है, पूछा जा सकता है, ठीक है। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है, आंसर है इस क्वेश्चन का गोदावरी और किसमें, ठीक है, दिमाग पर रखिए, पालकोंडा रेंज में, ठीक है, गोदावरी और पालकोंडा रेंज में इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है, गोदावरी और पालकोंडा रेंज में ये रेंज पाई जाती है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक, देखो हमने इस क्वेश्चन को पढ़ो, पूरी इंफॉर्मेशन देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा यार बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, है कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। कह रहे भाई अगर एक व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है, उसे डायलिसिस पे रखना पड़ता है ना, किडनी खराब होने पर डायलिसिस पे रखना पड़ता है। अब डायलिसिस पे रखने का कारण क्या है, किस वजह से डायलिसिस पे रखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि जो डायलिसिस होता है ना वो कौन सी प्रोसेस करता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस करके जो हमारा ब्लड होता है ना उसको फिल्टर करता है, ठीक है। किडनी खराब होने पे हम डायलिसिस पे इसलिए रखते हैं क्योंकि ऑस्मोसिस प्रोसेस से वो हमें फिल्टर, हमारे ब्लड को फिल्टर करता है ना। वही क्वेश्चन इसमें पूछा गया, वही क्वेश्चन इसमें पूछा गया। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन आंसर क्या है, व्हिच अमंग द गिवन विटामिन हेल्प इन द अब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, कौन सा विटामिन है जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में कौन सा हेल्प करता है, विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां पे विटामिन का क्वेश्चन आ जाए वहां पे वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, विटामिन की तो पूरी डिटेल पढ़ लेना, ठीक है बेटा, विटामिन की पूरी डिटेल पढ़ लेना क्योंकि विटामिन के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा मिलते हैं, है ना, विटामिन के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा मिलते हैं, विटामिन डी इसका आंसर है। क्वेश्चन देखिए, पार्ट ऑफ ब्रेन कौन सा है जो कि वॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल करने में यूज होता है, बताइए कौन सा ऐसा ब्रेन का पार्ट है जो कि वॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल करने में काम आता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। देखो हमारा जो दिमाग का जो हिस्सा है, तीन हिस्से हैं, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन, और उसमें भी सब डिविजन है, तो उसमें वॉलंटरी मसल जो है ना, हमारे जो वॉलंटरी एक्शन होते हैं वो सेरिब्रम से होते हैं, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो 100% क्वेश्चन है इस सीरीज में। मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो 100% क्वेश्चन है, जो मतलब ऐसे क्वेश्चन वो पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका क्या है बेटा, इसका आंसर है सेरिब्रम, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द सबरीमाला, ठीक है, ये जो किताब है इसके ऑथर कौन है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, इसके ऑथर कौन है, अच्छे क्वेश्चन में से एक है, पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या है, ठीक है, जल्दी से सोल्व करो यार, क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, आप इसे सोल्व ही करिए, ठीक है, जल्दी सोल्व करिए और ऊपर से, है ना, स्पीड में, ठीक है। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा, याद रखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, के एस विजयनाथ इसका आंसर है, के एस विजयनाथ इसका आंसर है, ठीक है, के एस विजयनाथ इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए, ठीक है, क्या मैं विजिबल हूं सभी को बेटा, विजिबल हूं सभी को, जल्दी से बताइएगा, एम आई विजिबल टू एवरीवन। चलिए एडवर्ड जेनर की अगर मैं बात करूं, ये किससे एसोसिएटेड है, कमेंट करिए, फेमस व्यक्ति है एडवर्ड जेनर, किससे एसोसिएटेड है, जल्दी से बताइए, एडवर्ड जेनर जो एक फेमस व्यक्ति है वो किससे एसोसिएटेड है, आंसर इसका स्मॉल पॉक्स है, किससे, स्मॉल पॉक्स से एसोसिएटेड है, काम का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है, एडवर्ड जेनर जो है स्मॉल पॉक्स से एसोसिएटेड है, काम का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इन्होंने खोज की थी इसका
स्मॉल पॉक्स और इसके वैक्सीन ये सब चीजों से इलाज, ठीक है। बैम्बूसा जो है ये किसका, देखो नाम देखो इसमें, क्वेश्चन का आधा आंसर तो हम उसके वर्ड से ही पहचान लेते। अब ये बैम्बूसा लिखा है तो बैम्बूसा बैम्बू से कहीं ना कहीं तो जुड़ता है, मेरे हिसाब से बैम्बूसा बैम्बू से कहीं ना कहीं तो जुड़ता है, तो हम उसी हिसाब से आंसर लगा देंगे कि हमें नाम मिल रहा है इधर, हम इधर से नाम से उठा लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है, नाम से उठा लेंगे क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कन्वर्ट प्रोटीन, ठीक है भाई, कौन सा इसमें से एंजाइम है जो प्रोटीन को कन्वर्ट करता है, ये अच्छा क्वेश्चन हुआ, ठीक है, सोल्व करो आंसर क्या। ठीक है बेटा, कौन सा जो है कन्वर्ट करता है प्रोटीन को, तो ट्रिप्सिन इसका आंसर है, पूछा जा सकता है, ठीक है, ट्रिप्सिन इसका आंसर है, अच्छे क्वेश्चन में से एक पूछा जा सकता है। रैम ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, नॉट रिक्वायर्ड। हाँ जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, तानसेन सम्मान लास्ट ईयर का किसे मिला था, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है क्योंकि तानसेन सम्मान बहुत महत्वपूर्ण सम्मान है मध्य प्रदेश का, ठीक है, बताइए किस व्यक्ति को मिला तानसेन सम्मान, मध्य प्रदेश का सम्मान है, ये भी याद रखना, और किस व्यक्ति को मिला ये तो हमें पता होना चाहिए क्योंकि अभी 21 का कहीं नहीं आया क्वेश्चन, ठीक है, तो 20-20 का ही हमें पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पढ़ने तो बेटा सारे, ठीक है, पढ़ने तो सारे पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ने तो सारे पढ़ेंगे, ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, पंडित सतीश व्यास इसका आंसर है, ठीक है, पंडित सतीश व्यास इसका आंसर है, महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है, ठीक है। एजोला इंक्रीज द सोयल फर्टिलिटी, एजोला डालने पे किसकी सोयल फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, कमेंट करेगा, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, ठीक है, एजोला डालने पर किसकी सोयल फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करेगा, है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। अब मुझे बताओ क्या ये चावलों की जो खेती होती है उसमें कोई बढ़ोतरी आती है क्या एजोला डालने से, अगर आपने सुना हो तो बताओ चावलों की खेती में कोई बढ़ोतरी आती है एजोला डालने से, अगर आपने सुना, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आंसर क्या बेटा, चावलों की जो खेती होती है ना उसमें बढ़ोतरी होती है, सोइल फर्टिलिटी इंक्रीज होती है अगर हम एजोला डालते हैं, ये काम का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, मैं वो क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सीरीज भी मैंने इसलिए स्टार्ट करी है, अभी ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज है, कल दोबारा 1 बजे क्लास कराऊंगा, तीसरा पार्ट यहीं पे खत्म कर दूंगा 1 बजे, उसके बाद मैं इसी सीरीज को ना 10,000 क्वेश्चन की सीरीज बना रहा हूं, और मैं आपको गारंटी देता हूं मैं आपको 10,000 क्वेश्चन 20 दिन में कवर करा दूंगा, ठीक है, बहुत क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, एक टाइमिंग रखेंगे, उस टाइमिंग पे पढ़ेंगे और 20,000 क्वेश्चन उठा देंगे, ठीक है, और वो मोस्ट प्रोबेबली टाइमिंग रात को 10 बजे की होगी, आपको बता देता हूं वो मोस्ट प्रोबेबली टाइमिंग जो होगी रात को 10 बजे की होगी, ठीक है, और 10 से 12 पढ़ेंगे, ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, ब्रह्मो समाज इसका आंसर है, ठीक है, याद रखना, ठीक है, ये टाइमिंग जो मैं आपको बता चुका हूं, डैश टॉप इन इंडिया इन द फ्लोरिकल्चर कमर्शियल कल्टीवेशन, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, फ्लोरिकल्चर का जो कमर्शियल कल्टीवेशन है उसमें किसने टॉप किया, कमेंट करिए इस क्वेश्चन आंसर, अच्छे क्वेश्चन में से एक, ठीक है, अब किसने टॉप किया इसमें, आंसर है तमिलनाडु ने, किसने, तमिलनाडु ने टॉप किया। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इंडियन पॉलिटी सर्च कर लेना अगर मुझसे पहली बार पढ़ रहे हो, काम की चीज है, मतलब 6 घंटे का मैराथन है, देख सकते हो एक बार, ये थंबनेल है, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्वेटनर डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी, मतलब ये शुगर पेशेंट होते हैं ना जो मधुमेह होते हैं, जिनको मतलब मधुमेह के शिकार होते हैं, डायबिटीज होता है उनको दिया जाता है इसमें, ठीक है, एनर्जी तो होती है लेकिन शुगर नहीं होती, ठीक है, स्वीटनर डज नॉट प्रोवाइड, ये एनर्जी नहीं प्रोवाइड कराता, बाकी सब कुछ ठीक, ठीक है बेटा, याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है, सैक्रीन, ठीक है, सैक्रीन को यूज किया जाता है डायबिटीज की और ये सब चीजें बनाने के लिए, अच्छा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखिए, इसमें से कौन सा ज्वाइंट हिंज है, जल्दी से बताइए कौन सा ज्वाइंट हिंज है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन आंसर क्या है। आज मैं ना 5 बजे दोबारा एक सेशन उठाऊंगा 5 PM पे, ठीक है, लूसेंट की सीरीज चेंज होके बढ़िया नई सीरीज बनने वाली है, वही वन लाइनर वाली सीरीज, ठीक है, विदाउट ऑप्शन वाली, ठीक है, बस समय दो थोड़ा सा, 5 बजे अपना बढ़िया धाकड़ लूसेंट की सीरीज एक और स्टार्ट हो रही है, ये आज भी 5 बजे क्लास होगी। अब हिंज ज्वाइंट अगर मैं बात करूं, ये हिंज है, ये इधर शोल्डर, इधर से हम इधर मूवमेंट कर सकते हैं, तो हिंज ज्वाइंट हुआ, एल्बो हुआ कि नहीं, तो आसान क्वेश्चन है, ठीक है, एल्बो इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, बताइए मम्स एक वायरल डिसीज है दैट कॉज द इन्फेक्शन, मम्स भाई ये सबसे खतरनाक और सबसे गंदी बीमारियों में से एक, ठीक है, सबसे खतरनाक और सबसे गंदी बीमारियों में से एक, मम्स जो है एक वायरल डिसीज है जो कहां पे मतलब जलन से मचा देती है, ठीक है, बताइए क्या इस क्वेश्चन का आंसर, कमेंट करिएगा।
गला जो है ये सब चीजें, मुंह जो होता है बिल्कुल जल सा जाता है इसमें, है ना। आंसर है ये किसमें, ठीक है, पैरियोटिड ग्लैंड होती है इस तरफ ना, इस पे बहुत फर्क पड़ता है इसका, है ना, और बहुत ज्यादा इरिटेटिंग जो वायरल डिसीज है ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि भाई मम्स जो है वायरल डिसीज किसमें इन्फेक्शन, ठीक है, पैरियोटिड ग्लैंड में, ठीक है, पैरियोटिड ग्लैंड में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे गले के अंदर होता है, मुंह के अंदर होती है, ठीक है, चीजें। एक और क्वेश्चन देखिएगा, अल्जाइमर, याद रखना अल्जाइमर के लेटेस्ट और आज तक की सबसे पहली ड्रग किसने बनाई, चाइना ने बनाई। पहला क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन आ सकता है भाई ये चाहे चाइना बनाए कोई बनाए, हमारे तो क्वेश्चन बनना चाहिए ना, ये अल्जाइमर का दुनिया में सबसे पहला ड्रग किसने बनाया, दवाई किसने बनाई, चाइना ने बनाई, याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। दूसरा कि भाई ये क्या है, अल्जाइमर इज व्हाट, अल्जाइमर क्या है, कौन सी बीमारी है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई अल्जाइमर कौन सी बीमारी है, आपसे पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, ठीक है, आपसे पूछा जाए अल्जाइमर कौन सी बीमारी है तो आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ठीक है, चलो, अल्जाइमर कौन सी बीमारी है बेटा, इसमें ना हमारा जो दिमाग है ना, ठीक है, ब्रेन डिसऑर्डर होता है, हमें चीजें याद नहीं रहती, ठीक है, गजनी टाइप बीमारी होती है, ठीक है, गजनी टाइप बीमारी कह लो, क्योंकि चीजें याद ना रहे तो भाई ऑब्वियसली गजनी टाइप बीमारी हुई, है ना। तो आंसर इसका क्या है बेटा, याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है, डिहाइड्रेशन इन ह्यूमन बॉडी इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, डिहाइड्रेशन हमारे शरीर में जो होता है किसकी डेफिशिएंसी की वजह से भाई। अब ये खेल है, ये खेल हो जाएगा इस क्वेश्चन में, आप सोच समझ के बताइएगा आंसर, ठीक, ये तो आसान है, बताइए आंसर क्या होगा, डिहाइड्रेशन, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा। इस सीरीज को कल भी एक बारी 1 बजे देखना, और फिर 1 बजे क्लास नहीं होगी, मैं आपको अभी भी बता देता हूं, सिर्फ कल पार्ट 3 जो है 1 बजे होगा, फिर मैं इसी सीरीज को 5 से 10 हजार क्वेश्चन की सीरीज करके रात को 10 बजे पढ़ाने वाला हूं। जो बच्चा अच्छा कंटेंट चाहता ना, क्वेश्चंस का अच्छा कंटेंट चाहता लेटेस्ट, वो रात को 10 बजे जुड़ जाएगा, ठीक है, रात को 10 बजे उठा देंगे सीरीज को, ठीक है, दिमाग में रखना, और वो भी ज्यादा बल्क में, पानी की कमी, डिहाइड्रेशन कईयों को होता है गर्मी में, है ना। एक और क्वेश्चन देख, इंडिया का पहला पोलिनेटर पार्क जो है कहां पे डेवलप किया गया, जल्दी से बताइए, भारत का पहला पोलिनेटर पार्क कहां पे डेवलप किया गया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। अब ये इजी क्वेश्चन है, बस फैक्ट है, ये करंट अफेयर है, फैक्ट है, आता है तो आता है, नहीं आता है तो कभी आ नहीं सकता, ठीक है, और तुक्के मारना मत, ठीक है। मैं लेकिन फिर भी दिमाग लगाता थोड़ा सा, कैसा दिमाग लगाता, उत्तराखंड इज वैली ऑफ फ्लावर, वैली ऑफ फ्लावर, मैं ऐसे करके आता है इस क्वेश्चन को, क्योंकि मैं हूं ऐसा जो मैं अटेम्प्ट करके ही आता हूं, ज्यादातर क्वेश्चन मेरे सही भी होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको अपना एग्जांपल दूं, वैली ऑफ फ्लावर है और फ्लावर में पॉलिनेशन होता है, ठीक है, और भाई मैं तो इसी हिसाब से उत्तराखंड लगा देता हूं, ठीक है, इसी हिसाब से उत्तराखंड लगा देता है। एक और क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द गिवन इज द डोमिनेंट, ये नहीं कर रहे क्वेश्चन, ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हैलोजन, आसान क्वेश्चन, इसमें से कौन सा हैलोजन है, ठीक है, चलिए बताइए, ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइएगा, ठीक है, स्टैटिन इसका आंसर है, ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ओनियन इज एग्जांपल ऑफ बल्ब व्हिच इज मॉडिफाइड वर्ड, जैसे मैंने कल एक क्वेश्चन कराया था ना कि जिंजर इज व्हाट, ठीक है, आपने आंसर क्या लगाया था, कल अपन लोगों ने क्वेश्चन किया जिंजर का, ठीक है, तो आंसर क्या किया, ठीक है, स्टेम, ठीक है, स्टेम, ठीक है, और ऐसे ही आपसे, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, ठीक है, ठीक है, ऐसे ही आपसे ऑनियन का पूछा जा रहा है तो आंसर क्या होना चाहिए, सोल्व करो भाई, ठीक है, ऑनियन का पूछा जा रहा है तो आंसर क्या होना चाहिए बेटा, याद रखिएगा, सेम स्टेम है, जिंजर ऑनियन ये सब स्टेम है, ठीक है, दिमाग रखिएगा, ये सब स्टेम, ठीक, ठीक, एक और क्वेश्चन देखिएगा, हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन एंड ऑफ मेटल रोड टू इट्स अदर एंड, ठीक है, और अगर इस प्रोसेस का नाम पूछा जाए कि हीट ट्रांसमिट होती है, इसे हम क्या कहते हैं, जल्दी से होते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कंडक्शन इसका आंसर है, ठीक है, आंसर क्या, कंडक्शन इसका आंसर है, पूछा जा सकता है, ठीक, कंडक्शन इसका आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये भाई तोबाल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, जिसे हम कह सकते हैं कि भाई ये तोबाल, ठीक है, डैम, तोबाल डैम, ठीक है, दिमाग को रखें,
ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, ठीक है, तोबाल डैम कौन से लोकेशन पे है, बताइए कौन से शहर में, अच्छे क्वेश्चन में से एक, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन में से एक है, पूछा सकता है, ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, इम्फाल इसका आंसर है, ठीक है, इम्फाल इसका आंसर है, पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन का आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट, स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट लाइक एंटायरली इन ट्रॉपिकल जोन ऑफ द अर्थ, भाई अब ये ट्रॉपिकल जोन जो है, इस ट्रॉपिकल जैसे अगर मैं बात करूं अर्थ के ट्रॉपिकल जोन इक्वेटर के पास के है ना, ये ट्रॉपिकल जोन है, ठीक है, इंडिया इज समवट हेयर, ठीक है, अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि ट्रॉपिकल जोन में कंप्लीटली नहीं है, ठीक है, ट्रॉपिकल जोन में कंप्लीटली नहीं है, आंसर क्या, गुजरात है, गुजरात बिल्कुल पार हो जाता है ट्रॉपिकल जोन से, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन में से एक, थोड़ा सा बस मैपिंग करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा मैप को, ठीक है, दिमाग को रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट जनरेट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा, सॉल्व करिएगा सारे के सारे, ठीक है, ग्रीन प्लांट, यार जब प्रकाश संश्लेषण की बात करी जाए, प्रकाश संश्लेषण से हरे जो पौधे होते हैं वो क्या उत्पन्न करते हैं, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का, ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, ऑर्गेनिक मेटीरियल, ठीक है, ऑर्गेनिक मेटीरियल इसका आंसर है, आसान है, अब ऑर्गेनिक मेटीरियल क्यों मैंने आंसर लिखा, क्योंकि यार ग्रीन प्लांट के फोटोसिंथेसिस से कार्बोहाइड्रेट ही तो मिलता है, ठीक है, क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट ही तो मिलता है, और क्या मिलेगा, यही तो मिलेगा ना, शुगर फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीजें, अब जब कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन अंकित मलिक, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, ये नहीं कर रहे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंसेक्ट पोलिनेशन को हम क्या कहते हैं, जैसे फ्लावर पोलिनेशन होता है तो हम उसके लिए अलग टर्म यूज करते हैं, ऐसे ही अपन लोगों से कह रहे हैं कि भाई इंसेक्ट पोलिनेशन को अपन लोग क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताएगा, इंसेक्ट पोलिनेशन को हम क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, अच्छे क्वेश्चन में से, ठीक है, याद रखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है, ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा, याद रखिएगा, देखो अब इसको ये ऐसे साइंस के क्वेश्चन जब आ जाते हैं ना, उनको ना बस थोड़ा सा ना कॉमन सेंस लगाओगे तो हो जाएगा, इंसेक्ट की स्टडी को हम कहते हैं एंटोमोलॉजी, कहते हैं कि नहीं, जब हम इंसेक्ट की स्टडी को एंटोमोलॉजी कहते हैं तो उससे संबंधित अगर एंटो वर्ड मिल ही गया मुझे तो उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है उस क्वेश्चन में, उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं उस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं करना, क्वेश्चन इस क्वेश्चन आंसर देगा, ठीक है बेटा, याद रखना कल भी 1 बजे करेंगे और कल के बाद, ठीक है, रात को 10 बजे बता देंगे, और ये सीरीज बहुत तगड़ी होने वाली है, 10,000 क्वेश्चन पे जाएगी ये सीरीज, 1,000 पे नहीं, 10,000 क्वेश्चन पे जाएगी, किसान फसल राहत योजना किस स्टेट की स्कीम है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है, आंसर है इस क्वेश्चन का, झारखंड इसका आंसर है, ठीक है, झारखंड इसका आंसर है, एक और क्वेश्चन देखिए, पोटैटो इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, पोटैटो किसका एग्जांपल है, ठीक है, पोटैटो किसका एग्जांपल है भाई, अब जैसे हमें ये पूछा गया अभी ऑनियन का जिंजर का बता दिया, ये सब क्वेश्चन आते हैं बेटा जीडी के पेपर में आते हैं, मिलते हैं ग्रुप डी के पेपर में मिलेंगे, आंसर क्या है इस क्वेश्चन, ट्यूबर कंद होता है ना, ठीक है, ये बाकर एक कंद होता है, बेसिक क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखिए, शेयर करेंगे सेशन को, जल्दी से बताएंगे, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर नाइटहुड बाई क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड जो है, ठीक है, थोड़ी सी बफरिंग हो रही है क्लास में, लेकिन क्लास पूरी देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है, ये अवार्ड किसे मिला, ठीक है, लुईस हैमिल्टन, अब क्यों मिला, इसका कारण क्या,
ठीक है देखो यार, इसका कारण क्या रहा कि जो लुईस हैमिल्टन है ये पूरी दुनिया के सबसे पहले ब्लैक पर्सन रहे जो कि क्या रेसिंग जीते, ठीक है, इसी वजह से इनको ये पहले क्या बोलते हैं ठीक है टूर्नामेंट जीते थे, ठीक है, ब्लैक पर्सन होने के ऊपर ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, पूछा जा सकता है कि अचीवमेंट कह सकते हैं इनकी, है ना, ठीक है। फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी अक्टूबर 1962 में लगी थी, और ये कब तक लगी थी बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से देखो, है इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेटा, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 1968 इसका आंसर है, ठीक है, 1968 इसका आंसर है, जब लगी थी 1962 था, ठीक है, और 68 तक ये इमरजेंसी कंटिन्यू रही थी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जा सकता है, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जा सकता है। डैश इज नोन एज द किचन ऑफ द सेल, आसान क्वेश्चन, ठीक है, किचन ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्लोरोप्लास्ट इसका आंसर है, ठीक है बेटा, याद रखिए क्लोरोप्लास्ट इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, स्टेरॉइड हार्मोन इज डिराइव फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, स्टेरॉइड हार्मोन किससे डिराइव होता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा सारे के सारे, बताइए आंसर क्या है, स्टेरॉइड हार्मोन किससे डिराइव होता है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, है इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है बेटा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जा सकता है, आंसर क्या है। मैंने ना 5 बजे भी एक क्लास लगाई है, ठीक है, आपके लिए 5 बजे भी एक क्लास लगाई है, इंपोर्टेंट क्लास होगी, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इसका आंसर है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, सॉरी, ठीक है, स्टेरॉइड हार्मोन कोलेस्ट्रॉल होता है, सॉरी, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवायरस प्लांट, ठीक है भाई, कौन सा इंसेक्टिवायरस है, बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया, ऐसे सस्ते सवाल आने लग गए तो मजा आ जाएगा, ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, कौन सा इंसेक्टिवायरस प्लांट है, देख ही चुके होंगे ऊपर चैट बॉक्स पे क्या लगा बेटा, टोरेस रॉड, ठीक है, क्यों लगाएंगे, एक मैराथन कराई थी मॉडर्न हिस्ट्री की, उसमें 400 क्वेश्चन में से 300 क्वेश्चन रखे थे, ठीक, क्योंकि इतनी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी बेटा, वो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास आपकी कब लगाई है, लेट मी सी कि मैंने किस समय लगाई, मैंने लिंक तो दे दी आपको, क्लास का टाइमिंग बोल देता हूँ क्योंकि मैंने टाइमिंग नहीं लिखी है, ठीक है, मैंने ये क्लास लगाई है 2:10 पे, यानी कि इस क्लास के एंड होते ही आप उस लिंक को ओपन करना, लाइव अमन रेफर कोड यूज करके जुड़ जाना, और 2:10 पे स्टार्ट करेंगे, और बेटा 4 बजे के आसपास तक खींचेंगे, और मॉडर्न हिस्ट्री पूरी पढ़ लेंगे, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री पूरी पढ़ लेंगे, ये क्लास आप टारगेट करने कि आज मॉडर्न हिस्ट्री कवर होनी चाहिए, आज सैटरडे है, पूरा कवर कर लेंगे, कल भी मैंने लगाई है क्लास, ठीक है, आज और कल में मॉडर्न हिस्ट्री इस टाइमिंग पे कवर है, 2:10 पे, ऊपर लिंक दे रखा है, रेफर कोड लाइव अमन है। एक और क्वेश्चन देखिए, हाँ जी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, हु इज द एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड लास्ट ईयर, ठीक, किसे मिला लास्ट ईयर, एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड किसे मिला, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए, ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का बेटा, याद रखिए इस क्वेश्चन का आंसर, वीके यादव, वीके यादव को मिला, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड लास्ट ईयर का मिला इन्हें, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं कर रहे, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, एसएससी गुरु पे क्लास देखे करो रात को 8 बजे, आज भी रखी है, हुआ रिसेंटली बिकम द रिचेस्ट पर्सन, ठीक है भाई, एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन रिसेंटली कौन मरे, अब ये बता सकते हो, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, पहले कौन थे अब कौन है ना, थोड़ा सा बदलाव आया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि एशिया के अभी रिचेस्ट पर्सन कौन बने, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है, ठीक है, शानशान जो है एशिया के रिचेस्ट पर्सन बने हैं, पहले जैक मा और ये सब आपने नाम सुने होंगे, लेकिन अब ये बदलाव हो चुका है बेटा, ठीक है, अपडेट करो अपनी इन इंफॉर्मेशन को, ठीक, क्योंकि क्या क्या पता आपको ये दोबारा पूछा जाए एशिया के रिचेस्ट पर्सन, आप जैक मा लगा के आ जाओ, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी ना, जैकमा लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, यही तो दिक्कत है, जैकमा रटा होगा कईयों ने, ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द बेस पीरियड सेट बाय डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, ठीक है, हाँ जी बताइए, आरबीआई मतलब बेस पीरियड का मतलब क्या है कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स की जो रैंक दे रहे हैं ना वो किस ईयर के हिसाब से दे रहे हैं, कि मतलब किस वर्ष से लेके अब तक क्या परफॉर्मेंस हुई है, वो किस ईयर का बेस माना है, बेस मतलब कि हाँ भाई ये ईयर है, इस बेस को मानेंगे, अब यार नोटबंदी हुई थी 2018 के आसपास, है ना, तो भाई दिमाग में रखना, ठीक है, उसके बाद से डिजिटलाइजेशन पे फोकस करने की थोड़ी कोशिश की गई है, वैसे तो कोरोना ने अच्छी डिजिटलाइजेशन करा दी है, ठीक है, कोरोना नहीं करा दी ये सारी डिजिटलाइजेशन, ठीक है, तो याद रखिए 2018 इसका आंसर, एवोपरेशन डिपेंड करता है किस पे, बताइए एवोपरेशन किस पे डिपेंड करता है बेटा, कोई भी मिस मत करना, ये जो ऊपर मॉडर्न हिस्ट्री का लिंक है ये 2 बजे के आसपास क्लास स्टार्ट हो जाएगी, 2:10 पे इस रेफर कोड को यूज करके लिंक को ओपन करके नोटिफाई कर लेना,
रेफर कोड अनलॉक करने के लिए पूछेगा तो लगा देना अगर आप पहली बार जा रहे हो। और मॉडर्न हिस्ट्री की तैयारी कर लो, दो दिन में करा दूंगा मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी तैयारी। और मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, इवेपोरेशन किस पे डिपेंड होता है, ठीक है भाई, पहला इस पे कि भाई नेचर पे, दूसरा सरफेस पे, और तीसरा कि भाई टेम्परेचर क्या है। तो मतलब सभी पे डिपेंड कर रहा है ना, है ना, आंसर के इस क्वेश्चन का सभी पे डिपेंड कर रहा है। एक और क्वेश्चन, मेज इज अटैक्ट बाय, ठीक है दिमाग रखिए, मेज इज अटैक्ट बाय, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, कौन मतलब जो मक्का होता है ना खाने के लिए, है ना, मक्के पे मतलब इंपैक्ट पड़ता है किसका, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है चलो, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा, ठीक है स्लेगो इसका आंसर है, ठीक है स्लेगो इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा इज लिमिटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, मैक्सिमम मेंबरशिप जो है राज्यसभा, मतलब राज्यसभा में कितने मैक्सिमम मेंबरशिप हो सकते हैं ये बता दो बस। है कि नहीं है भाई, ठीक है बढ़िया क्वेश्चन है। 250 हो सकती है, और 250 इज द फिक्स मैक्सिमम रेट, ठीक है वैल्यू, और इसमें क्वेश्चन आ सकता है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है चलिए, एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, हीमोग्लोबिन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट, हीमोग्लोबिन किसमें होता है, बेसिक क्वेश्चन हो गया, तो आसान क्वेश्चन है कि भाई हीमोग्लोबिन किसमें होता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। हीमोग्लोबिन किसमें होता है यार, आरबीसी में होता है, है ना, आरबीसी में होता है, अच्छे क्वेश्चन में से एक है, पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल आदि महोत्सव जो है कौन से रीजन में, बताइए नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल जो आदि महोत्सव है वो किस रीजन में, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, अच्छे क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन, पांच बजे मैंने क्लास रखी है भैया आज, ठीक है मैंने 5 बजे क्लास रखी है अपना लूसेंट, मैं वहीं पे आपको बदलाव करने वाला हूँ, लूसेंट का दोबारा विदाउट ऑप्शन सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, और अपडेटेड जो कंटेंट है लूसेंट का, जो 2021 और 2020 के जो अपडेटेड कंटेंट है उसको यूज करके लूसेंट की नई सीरीज स्टार्ट करूंगा मैं, और साइंस उसमें डालूंगा, प्लस साइंस कर दूंगा मैं उसे, ठीक है दिमाग पे रखेगा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू सेट अप इंडियाज़ फर्स्ट स्पेस पार्क, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है फर्स्ट स्पेस पार्क आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, केरला इसका आंसर, ठीक है केरला इसका आंसर है, पूछा जा सकता है। ठीक है, एक बार और देख लेना क्वेश्चन, ठीक है थोड़ा सा बफरिंग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आओ लाइन पे। ठीक है, हाँ जी, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, क्या दिक्कत मान सकता है भाई, विटामिन ए अगर नहीं है तो क्या दिक्कत हो सकती है, बताइए, अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, विटामिन ए अगर नहीं है तो किस चीज की दिक्कत हो सकती है, याद रखिएगा आंसर है नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, ऑब्वियसली विटामिन ए बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, विटामिन ए बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया कि भाई नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन है, प्योर वाटर फ्रीज एट विच टेम्परेचर, बताइए कौन से तापमान पे प्योर वाटर जो है वो फ्रीज होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है प्योर वाटर फ्रीज होता है किस तापमान में, भाई ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया, क्या पूछ रहे हैं इतना आसान क्वेश्चन, 32 फ़ारेनहाइट इसका आंसर। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, हाँ जी थार डेजर्ट कंसिस्ट ऑफ विच वेजिटेशन, मतलब थार है भाई डेजर्ट है, डेजर्ट में क्या होता है, सूखा पानी नहीं होता, पानी नहीं होता तो क्या उगेगा, बताइए पानी नहीं होता तो किस टाइप के प्लांट उगेंगे, बेसिक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन की अगर कहीं पे पानी नहीं है तो किस तरीके के प्लांट उग सकते हैं, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। बेटा मैं अनअकैडमी पे पढ़ाता हूँ, ठीक है, और अनअकैडमी पे मैं अभी पढ़ाऊंगा 2:10, ऊपर जो मॉडर्न हिस्ट्री का लिंक है ना तबाही कर देंगे मॉडर्न हिस्ट्री की फुल, इस लाइव अमन रेफर कोड को यूज करके क्लास को अनलॉक करो, और 2:10 पे स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मैं हमेशा यूट्यूब की क्लास के साथ अनअकैडमी क्लास रखता हूँ, ठीक है कि आपकी कनेक्टिविटी बन जाए, 1-2 घंटा पढ़ो लगातार में, जब भी पढ़ो सेट में पढ़ो कि भाई 2-2 घंटे का सेट लेके पढ़ रहे हो, 0 फाइट इसका आंसर। ठीक है, आधा घंटा करोगे क्या, आधे घंटे पढ़ाई करने से क्या फायदा हो तुम्हें, 2 घंटे एटलीस्ट पढ़ो जब भी पढ़ रहे हो, ठीक किसी भी सब्जेक्ट को, जैसे अभी आपने जीके स्टार्ट कर दी 1 बजे तो 3 बजे तक पढ़ो, यानी कि नेक्स्ट क्लास को भी देख लो अनअकैडमी में, मैं यही पेयर रखता हूं, कल भी मैं 1 बजे क्लास स्टार्ट करा दूंगा इधर, और 3 बजे भी पढ़ाऊंगा, मतलब 2 बजे भी अनअकैडमी पढ़ाऊंगा। ठीक है, डिपार्टमेंट हु वॉन द गोल्ड आइकन अवार्ड इन एक्सीलेंस इन डिजिटल गवर्नेंस, आंसर है ठीक है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, क्योंकि इसने ठीक है MMTS सर्विस लॉन्च कर दी ना,
इस वजह से एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, लाइव अमन रेफर कोड मेरे प्लस कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए भी है। ठीक है, सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टम जो स्पैड जीएमएस है, ये सिस्टम जो है किस कंट्री ने लॉन्च किया बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, आंसर क्या है, ठीक है आंसर क्या है, ठीक है आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, चलिए आंसर क्या, साउथ कोरिया इसका आंसर है। ठीक है, साउथ कोरिया इसका आंसर है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन, अभी एक बालक ने बहुत मेहनत करी, बहुत उल्टा बोल के इंटेंशनली बोले जाता है। ठीक है, कुछ बच्चे बोलते हैं आगे कि सर कुछ करेंगे, हमने इग्नोर मार दिया, बेचारा चला गया अब किसी और क्लास में। चलो, मेटल विच रिएक्ट मोस्ट वायलेंटली विद द कोल्ड वाटर, आंसर क्या इस क्वेश्चन का। ठीक है, मेटल कौन सा है जो वाटर के साथ मोस्ट वायलेंटली रिएक्ट करता है। ठीक है, पोटेशियम इसका आंसर है। ठीक है, ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कमेंट करिएगा। लीगल आइडेंटिफायर जो है, ये जो एक डिजिट बनाई गई है, इसमें कितने नंबर है, कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, आंसर इस क्वेश्चन का 20 इसका आंसर है। ठीक है, दिमाग पर रखेंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का, हाइड्रोपोनिक। अब भाई यार, हाइड्रोपोनिक तो हुआ ना पानी में उगा देंगे, हाइड्रो मतलब पानी, तो पानी में उगा देंगे, मिट्टी तो रहेगी नहीं उसमें, है ना, तो हाइड्रोपोनिक इज वर्ड जिसमें मिट्टी नहीं होती। ठीक है, ऐसा पेड़ उगाने का तरीका जिसमें मिट्टी नहीं होती, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे पहला प्रोजेक्ट, मतलब जो दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉमनली देती है, फिर बच्चे यही प्रोजेक्ट लेके आ जाते हैं। ठीक है, फंडा पूरा क्लियर करेंगे। जीन्स आर मेड अप ऑफ, हे बेटा जीन्स आर मेड अप ऑफ, मैंने तीन चार क्वेश्चन करा दिए जीन्स पे। पहला मैंने क्वेश्चन करा दिया जीन्स कहां पे पाए जाते हैं, वीड्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, कौन सी यूनिट है। अब ये जीन्स किसके बने होते हैं ये भी बता दूं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ये जीन्स जो होते हैं किसके बने होते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। चलो बेटा, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जीन्स किसके बने होते हैं, आंसर है न्यूक्लियोटाइड्स के, न्यूक्लियोटाइड्स के। एक और क्वेश्चन, पिगमेंटेशन ऑफ स्किन इज ड्यू टू द विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो यार स्किन की पिगमेंटेशन किस वजह से होती है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, स्किन की पिगमेंटेशन किसकी वजह से होती है। ठीक है, कौन कौन सा बच्चा अभी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में आ रहा है, ऊपर जो लिंक दे रखा है, बेटा मॉडर्न हिस्ट्री में ऐसी पढ़ा दूंगा दिल खुश हो जाएगा, ऐसी पढ़ा दूंगा मॉडर्न हिस्ट्री, एक डेढ़ घंटे में अभी मतलब मॉडर्न हिस्ट्री की तसल्ली हो जाएगी आपको, हाँ भाई कहीं से नहीं पढ़ने की जरूरत, बहुत तगड़े क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, सारे कौन कौन अभी मिल रहा है, मतलब मैं 10 मिनट में स्टार्ट करूंगा वहां पे क्लास, 10 मिनट में इस क्लास को एंड करते 10 मिनट में स्टार्ट करूंगा, इतनी देर में आप लिंक ओपन करना, इस रेफर कोड को यूज करके लाइव अमन एंट्री के लिए रेफर कोड यूज करिएगा और जुड़ जाइए उस क्लास में। ठीक है, जल्दी से, ठीक है आप, मैं जब बोलूं ये सेशन एंड, तो लिंक ओपन करके तसल्ली कर लेना 10 मिनट की, जितने में मैं पहुंच सकूं क्लास में, है ना। एक और क्वेश्चन देखिए, बताइए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, पूरा करेंगे। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं उसी क्लास में दे दूंगा, 10 ये जो क्लास ऊपर लगाई लिंक पे। ठीक है, श्यांक एनजी, ठीक है, हु वाज सक्सेसफुल कंडक्टेड द मेडन ट्रायल ऑफ फर्स्ट इंडिजिनियस एयर ड्रॉपलर। ठीक है, किसने कंडक्ट किया, ठीक है, बोथ डीआरडीओ और इंडियन नेवी दोनों ने मिलकर। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, मेसोथोलमिया इज अ टाइप ऑफ कैंसर, ये एक कैंसर का टाइप है, प्रकार है। ठीक है बेटा, ये हमारे शरीर का कौन से भाग पे, मेसोथोलमिया कैंसर किस बॉडी के ऑर्गन, बॉडी के कौन से ऑर्गन का। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, आंसर क्या बेटा, नीचे ना डी ऑप्शन दे नहीं रखा, कट गया लंग। ठीक है, लंग्स ही काट दिए इन्होंने भाई। ठीक है, जिएंगे कैसे, जिए तो जिए कैसे बिन आपके। ठीक है, लंग्स इसका आंसर है। ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, ये इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ कालिदास गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट आंध्रास। ठीक है, आंध्रास के बारे में इंफॉर्मेशन, कालिदास का कौन सा इसमें से वर्क है जिससे आंध्रास के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक बेटा, चंद्रपाल अभी अनअकैडमी क्लास में आ जाओ, उसमें बताता हूं आपकी सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, है ना। आप बस लिंक खोल के बस 10 मिनट बात करो क्लास में पहुंच के। ठीक, बातें करो थोड़ी देर, 10 मिनट में पहुंचे हम उस क्लास में बढ़िया तरीके से, है ना। इधर से सेटअप बंद करना पड़ता है। ठीक,
इतनी देर में अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लेना, किसी ने कहा किया था। मालविका मित्र इसका आंसर है, एक और क्वेश्चन देखिए, फाइनल क्वेश्चन इस क्लास का फाइनल क्वेश्चन, फिर उस लिंक को ओपन करिए, लाइव ऑन रेफर कोड लगा के जुड़ जाइए, ठीक है। फाइनल क्वेश्चन इस क्लास का, ये क्लास कल भी 1 बजे होगी। Adapt the height scheme, ये मिनिस्ट्री कौन सी है जिसने इसे लॉन्च किया, किसके साथ एसोसिएशन में, टूरिज्म के साथ, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के एसोसिएशन में, ठीक है। तो बेटा ये आज के क्वेश्चन थे, पीडीएफ में आपको दे देता हूं, अभी नेक्स्ट जो अनअकैडमी क्लास मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर लगा रखे चैट बॉक्स पे, उस पर दे देता हूं। रेफर कोड यूज करो लाइव अमर, और जल्दी से जुड़ जा रहा सारे के सारे, ठीक है, पीडीएफ में उसमें दे दूंगा, ठीक है। कल भी 1 बजे क्लास रखते हैं, फिर इस क्लास को 10 बजे शिफ्ट कर देंगे, अभी 1 बजे सैटरडे संडे में करा लेते हैं, है ना, इन्फॉर्म करने के लिए क्लासेस होती है सैटरडे संडे में कि भाई ये क्लास कहाँ पे होने वाली है रेगुलर, ठीक है। तो मिलो सारे के सारे, 5-10 मिनट में स्टार्ट करता हूँ उधर क्लास, ठीक है। क्या रेफर कोड यूज करना है, ये रेफर कोड यूज करना है, एंट्री के लिए लॉक कर अनलॉक करने के लिए मांगेगा उस क्लास को मॉडर्न हिस्ट्री की। हर एक बच्चा जुड़ो, अगर मॉडर्न हिस्ट्री ऐसी पढ़नी है जिसमें मतलब कंटेंट गजब हो तो जुड़ जाओ, फ्री क्लासेस है देख लो। बाकी पेड कोर्सेज का ऑफर लाइव ओमन पे ही चल रहा है, पहला तो 10% डिस्काउंट, दूसरा 2 साल पे 4 मंथ और 1 साल पे 2 मंथ एक्स्ट्रा हो रहा है। और इसका बेस्ट पार्ट क्या है कि मेरा क्रैश कोर्स भी लॉन्च हो रहा है और एक मेरा फाउंडेशन बैच भी लॉन्च हो रहा है जिसमें हम 28 अप्रैल से सफलता बैच में पढ़ाने वाले हैं। तो मतलब आप पूरा कोर्स ले सकते हो इसी रेफर कोड पे, चाहे किसी एग्जाम की भी तैयारी कर लो विद डिस्काउंट, ठीक है। तो ये काम कर लेना, गोल सिलेक्ट करना, जैसे आपने मानो गोल सिलेक्ट कर लिया, गोल सिलेक्ट किया, रेस्टोरेंट क्लिक किया, मंथ सिलेक्ट किया, रेफर कोड यूज किया, लाइव ओमन डिस्काउंट लगाया, तो ये रेफर कोड यूज करके फ्री क्लास भी एंटर करो अभी ऊपर वाली। बेटा पहुंचो सारे के सारे, मिलता हूं मैं, 10-15 मिनट लगाऊंगा बस ये एंड करा, ठीक है, सेशन को, और दूसरा सेटअप ऑन कर लेंगे अनअकैडमी का, ठीक है। थोड़ा सा समय लगेगा, बस 10-15 मिनट, इतनी देर में लिंक ओपन करके रख लो, ठीक है। अगर किसी के पास ऐप नहीं है तो ऐप डाउनलोड कर लेना, चलिए।